بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم इट्स काउंटडाउन बुक थ्री थर्ड एडिशन एंड वी हैव अ चैप्टर नंबर वन एंड इट इज होल नंबर पेज नंबर इज टू तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज वन तो चैप्टर वन में हमारे पास एक एक्सरसाइज है और इसकी सारे क्वेश्चंस की डिटेल से वीडियो में बना चुकी हूँ तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं राइट दीस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ठीक है चाहे वो टू डिजिट हो थ्री डिजिट हो या फोर डिजिट हो कि जितने भी नंबर डिजिट हो तो हम इसको असेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज इसको हम आज हम इस क्वेश्चन में यही सीखेंगे ठीक है तो पार्ट ए इज नाइन वन टू मीन नाइन हंड्रेड ट्वेल्व नाइन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेल्व एंड वन हंड्रेड फिफ्टी अब ये तो थ्री डिजिट नंबर है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इससे बिगर नंबर आ जाए डिजिट में तो फिर हम कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का जैसे मैंने आपको बता दिया कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाने को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर ठीक है order, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट इसका चेक करते हैं लेफ्ट साइड से नाइन दूसरे नंबर का चेक करते हैं नाइन सेवन एंड वन तो आ, हमें पता होना चाहिए कि नाइन नाइन सेवन वन में से कौन से नंबर्स बड़े हैं ठीक है तो इसमें हमारे पास दो नंबर्स बड़े आ रहे हैं और वो है नाइन एंड नाइन हम इन दोनों नंबर्स में से सेकंड डिजिट को चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है ठीक है तो सेकंड डिजिट इसका क्या है वन एंड टू हमें पता होना चाहिए कि टू इज ग्रेटर तो हमारे पास ये फुल नंबर क्या हो जाएगा ये ग्रेटर हो जाएगा ठीक है तो ये हम कर लेते हैं नंबर वन प्लेस पे इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा था नाइन वन टू यानी नाइन हंड्रेड ट्वेल्व तो इसको हम कर लेते हैं सेकेंड प्लेस पे अब हमारे पास रह गया सेवन वन टू एंड वन फिफ्टी ठीक है अब इसमें से जैसे मैं बता चुकी हूँ कि सेवन इज़ ग्रेटर वन से ठीक है फर्स्ट जो चेक करना है लेफ्ट साइड से तो सेवन इज ग्रेटर तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड प्लेस पे एंड उसके बाद लास्ट वाला फोर्थ प्लेस पे इसको हम कैसे राइट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा नाइन नाइन टू सेवन कोमा नाइन वन टू यानी सेकेंड नंबर थर्ड नंबर इज सेवन वन टू और फोर्थ नंबर कौन सा आ रहा है वन फिफ्टी ठीक है फोर्थ प्लेस पे तो ये हमारा सबसे इजी मेथड है असेंडिंग ऑर्डर को करने का ठीक है पार्ट बी पे आते हैं इसी तरीके से हम फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे सब नंबर्स का फोर नंबर्स है हमारे पास तो फर्स्ट डिजिट इज़ टू इसका ना क्या हो जाए इसका क्या हो जाएगा फाइव और उसके बाद एट एंड उसके बाद सेवन तो हमें पता है कि एट बड़ा है तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा एट वन फाइव देन कोमा आ जाएगा उसके बाद सेकेंड से, नंबर कौन सा आएगा टू फाइव एंड सेवन तो हमें पता होना चाहिए टू फाइव सेवन में से कौन सा नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सेवन इज ग्रेटर तो सेवन वाला फुल नंबर हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा बाकी इन दो से ठीक है तो दो नंबर हमारे पास हो चुके हैं ठीक है एंड थर्ड प्लेस पे अब कौन सा आएगा अब इन दोनों नंबर्स में से चेक करते हैं फर्स्ट डिजिट टू एंड फाइव तो हमें पता है कि फाइव जो है ग्रेटर है टू से तो ये फुल नंबर हमारे पास थर्ड प्लेस पे आ जाएगा फाइव वन जीरो एंड लास्ट में जो नंबर रह गया वो फोर्थ प्लेस पे इस तरह से आ जाएगा ठीक है क्लियर पार्ट सी पे आते हैं फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं फर्स्ट डिजिट इसका कैसे होगा सेवन 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 यानी सारे नंबर्स इसके फर्स्ट डेट के सेम हैं अब हम क्या करेंगे सेकेंड नंबर को चेक करते हैं एट जीरो जीरो नाइन तो हमें पता है कि नाइन इज ग्रेटर तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और उसके बाद हमें पता है कि एट इज ग्रेटर तो हमारे पास सेकेंड प्लेस पे ये हो जाएगा एंड थर्ड प्लेस पे क्या हो जाएगा अब देखें इसमें दोनों नंबर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं जीरो एंड जीरो ठीक है सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है वो सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे थर्ड प्लेस पे चले जाएंगे यानी थर्ड डिजिट चेक करेंगे इन दोनों नंबर्स का कि क्या ये कौन सा इनमें से बड़ा है ठीक है तो हम देखते हैं थर्ड प्लेस पर क्या है नाइन एंड इसमें क्या है एट तो ओबली नाइन इज़ ग्रेटर देन एट तो हम क्या करेंगे नाइन्थ वाला जो पूरा नंबर है यानी सेवन जीरो नाइन ये थर्ड प्लेस पे चला जाएगा और सेवन जीरो एट फोर प्लेस पे ठीक है तो हम इसको राइट करते हैं सेवन नाइन थ्री कॉमा सेवन एट नाइन देन हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन ज़ीरो नाइन और उसके बाद आ जाएगा सेवन ज़ीरो एट ठीक है पार्ट डी पार्ट डी पे क्या है फ़ाइव जीरो वन फाइव फोर फाइव फाइव नाइन ज़ीरो एंड फाइव ज़ीरो जीरो ये गाइस आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस करनी है आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में जरूर याद रखें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाफ़